हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अखिलेश कुमार फ्रॉम मजिस्टर ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कोरल ड्रॉ में फाइल मेनू पढ़ेंगे। इससे पहले टूल्स हम लोग पढ़े थे, अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप फोटोशॉप, पेज मेकर या वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट क्लास सीखना चाहते हैं तो इस चैनल के न्यू प्लेलिस्ट में जाकर आप उसमें टोटल वीडियो आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख कर सीख सकते हैं। चलते हैं हम लोग फाइल मेनू में। फाइल में पहले क्या है, यहाँ पर न्यू है। ओके, न्यू पर क्लिक करेंगे तो नया पेज लेने के लिए करते हैं। उसका नाम देंगे, डिजाइन देता हूँ, डिजाइन 1 2 3 जो भी देना है, जो भी डिजाइन बना रहे हैं वो देंगे। यहाँ पे किस साइज में है आप काम कर रहे हैं, लेटर है, A4 है, क्या है, उसको आप प्रिंटर के अनुकूल आप यहाँ पे सेट कर लेंगे। ओके, नंबर्स ऑफ कॉपी कितना है वो दे देंगे, यहाँ से डायरेक्ट ओके करेंगे। ओके, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। ओके, तो एक नया पेज आ जाएगा, ये नया पेज लाने के लिए है। ओके, फिर चलते हैं न्यू फ्रॉम टेम्पलेट्स। अगर टेम्पलेट्स अगर बना बनाया चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, एडवर्टीजमेंट का ले सकते हैं, बिजनेस कार्ड का ले सकते हैं, जो भी चाहिए यहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे, क्लिक करेंगे, वो सब जो भी होगा आपको यहाँ से क्लिक करके लेंगे। यहाँ से क्लिक कर दिए, ओपन कर देंगे। ओके, तो बना बनाया टेम्पलेट आ जाएगा। केवल क्या है, यहाँ पे आप नाम चेंज कर सकते हैं, जो भी आप फोटो चेंज कर सकते हैं और उसको प्रिंट कर सकते हैं। ओके, ओपन क्या है, ओपन में क्या है, कोई अगर फाइल बना हुआ है कोरल का तो आप यहाँ से प्रिंट उस ओपन कर सकते हैं, उस फाइल को, ओल्ड फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं डेस्कटॉप पर पहले कुछ बनाए हुए हूँ, उसको आप देखिए बना हुआ है फाइल, उसको फाइल चूज करेंगे, ओपन कर देंगे। यस, तो जो फाइल जो बना हुआ है पहले वो आपका आ जाएगा। ओके, उसके बाद चलते हैं ओपन रिसेंट। जो रिसेंटली जो फाइल जो भी है ओपन खुला हुआ है वो सब यहाँ पे आपको दिखाएगा। क्लोज, क्लोज यही करते हैं, जो फाइल ओपन रहेगा वो क्लोज हो जाएगा। और क्लोज ऑल करते हैं तो टोटल जितना भी जो हम काम कर रहे हैं कोरल का वो टोटल क्लोज हो जाएगा। सेव क्या है, यहाँ पे सेव पे क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ पे सेव नेम देंगे, जहाँ लोकेशन चेंज करेंगे, जहाँ पे सेव करना है, डेस्कटॉप पे करना है या सी ड्राइव में करना है, डी ड्राइव में, जहाँ भी आपको सेव चाहिए वहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लोकेशन चेंज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फाइल का नाम दे देंगे, जो भी फाइल का नाम है, डिजाइन 3 4 5 जो भी है आप यहाँ से क्लिक करके पुट कर सकते हैं नाम। उसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे तो क्या है, उस नाम से फाइल सेव हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, सेव कर दी, सेव एज। अगर उस नाम को मेरे को चेंज करना है तो सेव एज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फाइल का नाम दूसरा देंगे, फिर डिजाइन 33। ओके, जो भी आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं और सेव करेंगे तो फिर क्या है, उस नाम से दूसरे नाम से सेव हो जाएगा। देख रहे हैं डिजाइन 33 यहाँ पे दिखा रहे हैं, .cdr इसका एक्सटेंशन कोड है कोरल का। उसके बाद सेव एज टेम्पलेट, यहाँ से क्या है आप सेव एज टेम्पलेट भी कर सकते हैं, टेम्पलेट में आपका सेव हो जाएगा ये। ओके, उसके बाद फाइल में जाएंगे, नेक्स्ट देखता हूँ, सेव एज हो गया, सेव एज टेम्पलेट हो गया। आप यहाँ पे नाम देके उसका टेम्पलेट में सेव कर सकते हैं। उसके बाद रिवर्ट है, रिवर्ट के लिए हम लोग कुछ बनाना पड़ेगा, इसके लिए एक नया पेज ले लेता हूँ। उसके बाद
रिवर्ट है ये, अभी कुछ चेंजिंग किया, जो भी चेंजिंग किया उसको रिवर्ट करके देखिए। रिवर्ट पर जो ही क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पूछ रहा है करंट चेंज, ओके देख रहे हैं, जो भी चेंज करेंगे पहले जैसा करना है, रिवर्ट देख रहे हैं, कलर चेंज कर रहा हूँ फिर दूसरा दे रहा हूँ, इस पे कलर कुछ और चेंज कर रहे हैं, देखिए फिर इसको हम रिवर्ट करेंगे तो पहले था वैसा फिर हो जाएगा, ओके। तो बहुत सारा डिसकलर, जो भी कलर रहेगा बहुत सारा दिया हुआ तो उसको पहले जैसे में आप ला सकते हैं। उसके बाद क्या है, एक्वायर इमेज सेलेक्ट ताइवान सोर्स, आप यहां से किसी दूसरे एप्लीकेशन से यहां से फाइल को ला सकते हैं। उसके बाद है सर्च कंटेंट में, कुछ सर्च करना है तो कर सकते हैं। इंपोर्ट, इंपोर्ट में देख सकते हैं कोई भी अगर फ़ोटो वगैरह लाना है, इंपोर्ट करना है तो यहां से आप फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, जिस ड्राइव में होगा वहां चूज करेंगे, उसके बाद फ़ोटो सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर लेंगे। यहां देखिए माउस में आया हुआ है, आप कहां रखना चाहते हैं वहां पे ड्रैग कर देंगे इस तरह के, तो ये फ़ोटो आ जाएगा। आप छोटा बड़ा जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, इंपोर्ट से समझ गए लाना, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट से कहीं भेजना है किसी और में ड्राइव में तो यहाँ से आप भेज सकते हैं एक्सपोर्ट के द्वारा, ओके। उसके बाद क्या है, एक्सपोर्ट फॉर कोई भी डिजाइन वेब पे HTML पे भेजना है तो यहाँ से भेज सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं डायलॉग बॉक्स आएगा, फिर आप उसको सेव कर सकते हैं, सेव कर दिए, ओके। तो आप किसी पे यहाँ से एक्सपोर्ट पे वेब पे HTML भेजना है तो भेज सकते हैं। सेंड टू ब्लूटूथ डिवाइस है या डेस्कटॉप पे भेजना है तो यहाँ से सेंड करके आप भेज सकते हैं। प्रिंट क्या है, आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कंट्रोल पी या फिर प्रिंट पे क्लिक करेंगे, प्रिंटर लगा रहना चाहिए, उसके बाद जितना पेज देना है प्रिंट करना उसका ओके करेंगे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंट मर्ज, प्रिंट मर्ज देखिए यहाँ पे क्या है, एक्सपोर्ट टू एक HTML भी है, ओके HTML पे क्लिक किए तो यहाँ से सेव के लिए स्टाइल कुछ कुछ नाम देना है दे सकते हैं, ओके करेंगे। कहाँ पे सेव करना है यहाँ पे लोकेशन भी दे सकते हैं, अगर चाहते हैं आप डेस्कटॉप पे डेस्कटॉप दे सकते हैं यहाँ पे, है ना, ओके कर देंगे। देख रहे हैं इमेज यहाँ पे सेव हो गया है। तो आप इस तरह HTML चाहे किसी भी फाइल में सेव करना है तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। उसके बाद है प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं, प्रिंट से पहले अगर प्रिंट देखना चाहते हैं, प्रिंट मर्ज करना चाहते हैं, क्रिएट लोड प्रिंट मर्ज या फिर मर्जिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंटर लगा रहना चाहिए। उसके बाद क्या है, आप नेक्स्ट देख सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट से पहले आप उसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं, जो भी डिजाइन इसमें बना रहेगा वो शो करेगा, ओके। तो आप यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं, देखिए प्रिंट में जो भी रहेगा यहाँ पे वो आ जाएगा। उसके बाद क्लोज किए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, कलेक्ट फॉर आउटपुट, तो यहाँ से कलेक्ट फॉर आउटपुट भी कर सकते हैं। कलेक्ट फॉर आउटपुट में के बाद आप पब्लिश टू PDF, अगर चाहते हैं जो भी फाइल आप बनाए हैं डिजाइन बनाए हैं
उसका पीडीएफ बनाना भी चाहते हैं तो आप यहाँ से बना सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या है, पुट नेम, कोई भी फाइल का नाम देंगे, कहाँ पे बनाना है तो आप यहाँ से डेस्कटॉप ले सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, नाम जो भी देना है। मैं 111 दे दिया हूँ, सेव कर दिया। ओके, तो ये आपका पीडीएफ देख रहे हैं, 111 से यहाँ पे पीडीएफ बन गया। अगर कोरल में कोई डिजाइन बनाए हुए हैं तो आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं फाइल में, फिर के पब्लिश पेज टू कंसेप्ट शेयर, पीडीएफ जो सेव किए हैं उसका देख सकते हैं, आपको ओपन होकर दिखाएगा वो क्या है। पब्लिश टू पेज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट का टोटल प्रॉपर्टीज यहाँ दिखाएगा, देखिए फाइल साइज, टुडे, ट्यूसडे का जो भी फाइल किस दिन बनाए हो टोटल आपको यहाँ से दिखाएगा। उसके बाद आप यहाँ से एग्जिट करके आप यहाँ से निकल सकते हैं फाइल से। तो यह आपका फाइल मेनू था आज, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, फाइल मेनू टोटल 101 बताया गया है, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम लोग क्या है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।